दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर। देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। यूपी बिहार में आज होगी झमाझम बारिश, जानिए अन्य राज्य के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों तक हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान है। यूपी और बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार में शुक्रवार से बारिश के आसार जताए हैं। राजधानी पटना समेत 14 जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद शनिवार से प्रदेश में फिर से भारी बारिश होने का दौर चालू रहेगा। उत्तर और पूर्वी बिहार के कुछ जिलों में शनिवार और रविवार को भारी बरसात होने के आसार है। पटना मौसम केंद्र के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के एक दो जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान है। कई जिलों में शुक्रवार से मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फिलहाल मॉनसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, नारनौल, शाहजहांपुर, वाराणसी, गया, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में बन रहा है। इन सभी मौसमी प्रभाव के कारण प्रदेश के दक्षिणी भागों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा का पूर्वानुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 27 अगस्त से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात चिंताजनक है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विदिशा, सागर, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में कुछ निचले हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जगहों पर बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मॉनसून सत्र में अब तक मध्य प्रदेश में 928 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 28% अधिक है। उन्होंने कहा, बारिश का चालू दौर 31 अगस्त तक रहने की संभावना है। मध्य और पूर्वी मध्य प्रदेश पर इसका असर रहेगा। यह प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग में कम प्रभावी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में आज से एक बार फिर से मॉनसून के साथ कई सिस्टम के एक्टिव होने के आसार हैं। इसके प्रभाव से 28 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने 25 अगस्त को मॉनसून द्रोणिका के प्रभाव अंबिकापुर सहित प्रदेश भर में बादल छाने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून द्रोणिका के प्रभाव से चलते शुक्रवार को प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और बिजली चमकने की भी संभावना है। विभाग की माने तो आने वाले दो दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में 26 और 27 अगस्त को तेज बरसात के आसार है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दे और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूले, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और लास्ट में, हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे।